और फाइनली हम लोग घंटाघर के पास पहुंच चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, घंटाघर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, बाद से भी दिखाऊंगा कितना भव्य नज़ारा है। ये लखनऊ का घंटाघर है और आसपास तो आप लोग देख ही सकते हैं कितने सारे लोग हैं, और वो सामने गेट है लखनऊ अंदाज में। और ये पार्किंग एरिया है, घंटा घर है, देख रहे हैं आप लोग लखनऊ का कैसा लग रहा है नज़ारा। और यही है घंटा घर लखनऊ का जो आप लोग देख रहे हैं, बट यहाँ जवान की कोई कीमत नहीं है, पहले भी मैं जानता था। और सामने इमाम बाड़ा है, सब घर के पीछे का अपोजिट साइड है। और ये हमारे सामने हमारे एरिया देख सकते हैं आप लोग, और सामने यहाँ चाय का स्टॉल है। और यही रहा वो नज़ारा घंटाघर का, देखिए। और यहाँ से बगल में ये तालाब है, काफ़ी भव्य नज़ारा है ये, ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। और ये रहा ये जिसमें चाय का ये है, और ये सामने अपोजिट साइड में आप लोगों को लखनऊ का घंटाघर दिख रहा है, कैसा लगा नज़ारा तो मैं दिखाता हूँ। फिर ये रहा तालाब, काफ़ी भव्य नज़ारा है, ये लखनऊ के घंटाघर के पास नहीं है। और ये रहा घंटाघर मेरे पीछे, और ये रहे हमारे एरिया, और ये चाय का स्टॉल। और ये रात में और भी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, वो भी हमारे एबी भैया के साथ। और इनका भी यूट्यूब चैनल है एबी सब कुछ के नाम से, तो आप लोग ज़रूर एक बार विजिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मुझे भले ही कोई करे ना करे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, मेरा वीडियो देखते रहिए। और ये देखिए फिर से घंटाघर, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ये घंटाघर, जिधर जाओ उधर घंटाघर। तो घंटाघर का नज़ारा कैसा लगा आप लोगों को, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और कॉमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कल नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय। और ये सब घंटाघर के आसपास के एरिया है, जस्ट घंटाघर के बगल में ही ये तालाब है, काफी भव्य नज़ारा है इस तालाब का। और ये यहाँ देखिए गोलगप्पे का मज़ा लेते हुए हम लोग, अंधेरे में, रात का अंधेरा हो चुका है, ज़्यादा तो नहीं दिखा सकता हूँ मैं। और इसी के साथ अब यहाँ से घंटाघर का ब्लॉग समाप्त होता है, और आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में इमामबाड़ा देखने को मिलेगा।